विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सभी कांग्रेस विधायकों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर मार्च के दौरान ट्रैक्टर में डीजल खत्म होने के बाद हर कांग्रेसी विधायक ट्रैक्टर को रस्सी के साथ खींचकर विधानसभा की तरफ ले गए। इस प्रदर्शन के दौरान हुड्डा ने कहा कि तानाशाही इस कदर हावी हो चुकी है कि सरकार को जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। इसी को लेकर चंडीगढ़ में समाचार एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता सौरभ शर्मा ने कांग्रेस के विधायकों से बात की। सुनिए आखिर क्या कहा लानोर से विधायक शकुंतला खट्टर ने। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा संभालका से विधायक धर्म सिंह छोड़ ने। सुनिए क्या कहना है साढ़ोरा से विधायक रेणु बाला का। सुनिए क्या कहा नारायणगढ़ से विधायक शालिनी ने। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा असन से विधायक शमशेर गोगी ने। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर समालका से विधायक धर्म सिंह छोकर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे महंगाई को लेकर, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर व बजट सत्र को लेकर इनका क्या कहना है। देखिए आज जो आसमान को छूती हुई कीमतें, तेल और पेट्रोल डीजल की जो कीमतें आसमान को छू, उसके विरोध में आज पूरे कांग्रेस के विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सभी 31-31 के विधायक ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंचेंगे ताकि सरकार को आगाह करेंगे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि कीमतें वापिस लो। छोकर साहब 10 तारीख को जो है अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी है, इसको लेकर क्या रणनीति है। देखिए रणनीति क्या, हमारी क्या रणनीति, किसानों की है जो पता चल जाएगा। दूध गाजू पानी में जो किसानों के साथ है, जो विपक्ष के लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, विपक्ष तो साथ खड़ा है, सत्ताधारी लोगों का पता चल जाएगा कौन किसान साथ है, कौन किसानों के पक्ष में, कौन खिलाफ है। बजट को लेकर, बजट सत्र किस तरह का जनता के हित में आ सके, इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है, किस तरह के जो है जनता के हितों की बात रखेंगे। बजट सत्र आएगा जब देखेंगे, लेकिन ये आला देख लो क्या रहा, पेट्रोल डीजल इतना बढ़ रहा है तो बजट सत्र में क्या होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या जरूरत है। जी तो ये थे मेरे साथ संभालका से विधायक धर्म सिंह छोकर जी, जिन्होंने बताया कि बजट सत्र की तो उम्मीद इनसे क्या रखी जाए, बल्कि पेट्रोल और बढ़ते डीजल के दाम ही बजट सत्र का पहले से ही जायजा लगा लिया गया है। कैमरामैन किशन के साथ सौरभ शर्मा, समाचार एक्सप्रेस, चंडीगढ़। विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन जो है जारी है। आज चंडीगढ़ में महंगाई को लेकर कांग्रेस का जो है ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। महिला दिवस पर महिलाओं को महंगाई को लेकर आज ट्रैक्टर मार्च निकालना पड़ा, क्या नौबत आई ऐसी। आइए सढ़ोरा से विधायक रेणु जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी मैम देखिए, सबसे पहले तो आज महिला दिवस है, उसकी मैं अपनी सभी महिला बहनों को अपने हार्दिक धन्यवाद अपना बधाई देती हूँ, महिला बधाई उसकी। और आज जो महिलाओं का जो संघर्ष आप देख रहे हैं, जो भाजपा सरकार ने आज महिलाएं उसकी वजह से सड़कों पे आ रही हैं और सड़कों पे धरने देके भी बैठी हुई है, चाहे वो महंगाई की बात कर लीजिए, चाहे वो गैस की बात कर लीजिए, चाहे वो तेल की बात कर लीजिए, चाहे पेट्रोल की बात कर लीजिए। पहले गैस का सिलेंडर महिलाओं के लिए 400 रुपये में आता था, अब 850 रुपये बढ़ा के कर दिया गया। तो इस भाजपा सरकार ने इस आज में सभी लोगों की, इतना महंगाई के दौर में सबकी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो तोड़ने का काम कर रही है महंगाई के ज़माने में। और हम सरकार से यही कहते हैं कि आप ये जो कड़े नियम बनाए हैं, महंगाई बढ़ाई गई है, वो उनको वापस लिया जाए। जी तो ये थे मेरे साथ सढ़ोरा से विधायक रेणु बाला जी, जिन्होंने बताया कि सरकार ने महंगाई करके जनता की रीढ़ की हड्डी को तोड़ डाला है। कैमरामैन किशन के साथ सौरभ शर्मा, समाचार एक्सप्रेस, चंडीगढ़। विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, नारायणगढ़ से शालिनी जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि महंगाई को लेकर जो आज इन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला है, इसको लेकर इनका क्या कहना है। हमारी सरकार से सबसे पहले तो मैं महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और फिर हमारी सरकार से यही मांगे कि महंगाई कम कीजिए, डीजल पेट्रोल के रेट कम करें, गैस के रेट कम करें, यही मांग है हमारी। विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन जारी रखे हुए है। आज ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, महंगाई को लेकर यह ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। असन से विधायक शमशेर गोगी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, क्या कहना है इनका। जी गोगी, देखो आज हम विधानसभा जा रहे हैं ट्रैक्टर लेके, और ट्रैक्टर में तेल नहीं है,
हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से एक इल्लीगल तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाए हैं, उनके चलते हुए हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम गाड़ी चला के आ जाएं तो ट्रैक्टर पे अंदर जाने का हमारा अधिकार है। किसान का सबसे बड़ा व्हीकल यही है जिसके ऊपर वही सवारी है, और किसान को इसके ऊपर हम प्रदर्शन भी करना चाहते हैं और ये सरकार को बताना चाहते हैं कि ये जो अड़ियल रवैया है तानाशाही छोड़े, लोकतंत्र में आए और किसानों को अंदर जाने दे, उनकी दुख तकलीफ जो है उसको हल करें। आज अगर डीजल सस्ता करना हो तो हरियाणा सरकार ने, जब से बीजेपी की सरकार आई है, पिछली सरकार के टाइम में 8.8% वैट था डीजल पे, आज 17.2 है। अगर ये पिछले वाले पे ही रेट पे ले आए तो आज ही 7-8 रुपये रेट सस्ता हो जाएगा, उसी से आम आदमी को बहुत सारा फर्क पड़ेगा। गोगी साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं सरकार जो है डीजल और पेट्रोल के दाम तो बढ़ाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जो है पुलिस को यहाँ पर जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, आपको अंदर नहीं जाने दिया रहा, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये तो तानाशाही है, तो तानाशाही रवैया जो है वो किसी भी हालत में लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, इसको कोई सहन नहीं किया जाएगा। और सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि इनके दिन जाने वाले हैं, जनता की नज़र से तो सरकार पहले जा चुकी है, यहाँ भी गिनती के तौर पे भी अभी अविश्वास प्रस्ताव पे आप देखना कैसे कैसे लोगों की पोल खुलेगी, जो लोग बाहर किसानों के साथ हैं अब देखते हैं विधानसभा में भी वो साथ हैं कि नहीं है। 10 तारीख को बहस है अविश्वास प्रस्ताव पर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पूरी बहस होगी और सारी बात रखी जाएगी और ये पता चलेगा कि कौन कौन से लोग हैं जो नकली तौर पर किसानों के साथ हैं और उनकी जमीर बिकी हुई है, ईमान बिका हुआ है, वो किसानों के साथ नहीं है लेकिन बाहर वो बयानबाजी, फर्जी बयानबाजी, झूठी बयानबाजी करते हैं। जी, तो ये थे मेरे साथ असन से विधायक शमशेर गोगी, जिन्होंने बताया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं इस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं, गाड़ी से आना यहाँ मुश्किल हुआ है, इसलिए ट्रैक्टर से आ रहे थे और ट्रैक्टर पर भी आते आते जो है इनका डीजल ख़त्म हो गया है। कैमरामैन किशन के साथ सौरभ शर्मा, समाचार एक्सप्रेस, चंडीगढ़। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।